ये रहा आपका चेन्नई एयरपोर्ट का लुक, देखिए बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर नटराज का मूर्ति, नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए हैदराबाद आते समय जो बेवरेज में ये ड्रिंक दिया था जो आपका फ्लेक्सिबल हेयर के साथ इंक्लूड था, वही अभी पी रहा हूँ। तो अभी हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मेरे के रनवे पे दौड़ रही है। ट्रैवल हाइपो अभी जो है हैदराबाद से बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब यहाँ से फ्लाइट का टाइम है शायद 2 बजे, मुझे याद नहीं है, 2 बजे होगा। बाहर जो ये दिखाई दे रहा है ये है आपका लगेज रखने का, और ये सब जो है ये आपका लगेज लेके जाता है। तो अभी लगेज चढ़ाना भी हो चुका है, उतरना तो पहले हो चुका है, चढ़ाना भी हो चुका है। तो इंडिगो का इंटीरियर के बारे में कहा जाए तो सीट जो है वो देखिए पतला सा है बट ठीक ठाक है, और लेग स्पेस भी ठीक ही है। और ये जो आपका ट्रे है, ट्रे भी सही है, मतलब मजबूत है, थोड़ा सा हिल है बट मजबूत है। और ये आपको विंडो, विंडो को बंद करने का, इस तरीके से बंद होता है और इस तरीके से खुलता है। और यहाँ पे आपका एयर कंडीशन, और ये है आपका सीट बेल्ट साइन, और साथ में स्मोक, और वो जो वहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है वो है आपका ऑक्सीजन मास्क, वहाँ से गिरेगा। और ठीक इसके नीचे ये जो आपका यहाँ पे जो आपका लाल एक दिखाई दे रहा है चीज़, इसको ऐसे खींचने से आपका जो लाइफ जैकेट जो है, जो लाइफ जैकेट होता है वो मतलब खुल के हाथ में आ जाएगा। ऐसे आपका ये जो सीट है, सीट को थोड़ा रिक्लाइन भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है इस बटन को मैंने किया प्रेस और ऐसे थोड़ा सा रिक्लाइन होगा, ज़्यादा नहीं रिक्लाइन होता है, बस थोड़ा सा रिक्लाइन हो जाता है। तो अभी लगभग 10-15 मिनट में, मतलब 2 बजे के बाद हैदराबाद से करेगी हमारी प्लेन टेक ऑफ, और फ्लाइट टाइम है लगभग 1 घंटा 15 मिनट, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ्लाइट टाइम है। उसके बाद हमें पहुँचा देगी चेन्नई। चेन्नई में इसका लैंड होने का टाइम है 3:20। अब 30,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ान भरेंगे। वैष्णवी, अनिशा, श्वेता, सागरिका और मैं शुक्ला हूँ आपकी मुख्य कर्मी दल। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। उड़ान के दौरान घुसे की बेटी क्या नाक और मुंह ढक कर सांस ले रहे, ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतारें, और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मेरे के रनवे पे दौड़ रही है। हैदराबाद से कर लिया है टेक ऑफ, अब लगभग 1 घंटे में हम लोग चेन्नई पहुंच जाएंगे।
से हम लोग बादल के ऊपर पहुंच चुके हैं। कैप्टन ने अनाउंस किया है कि 30,000 फीट ऊपर ये फ्लाइट होगी और अभी लगभग बादल के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी भी और भी एल्टीट्यूड लेना बाकी है फ्लाइट का। तो बाल्टो के साइड आते समय जो बेवरेज में ये ड्रिंक दिया था जो आपका फ्लेक्सिबल एयर के साथ इंक्लूड था वही अभी पी रहा हूँ। प्याज भी लगा है बहुत। पानी जो लेके आया था वो ख़त्म हो चुका है। 11 बजे मैं बोर्ड किया बागडोगरा एयरपोर्ट से। अभी चेन्नई में उतरते उतरते लगभग 3:20, मतलब है सोचिए लगभग 4 घंटे से भी ज़्यादा, लगभग 4 घंटा 20 मिनट या 4 घंटा 30 मिनट जैसा प्लेन के अंदर है। बट इंडिगो का जो फ्लाइट है, मतलब अंदर का जो इंटीरियर है, लेग स्पेस और सीट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से बैठा रहा, सब कुछ ठीक था। और कान जो है वो फिर से हो चुका है बंद। और ये जो जूस है वो बहुत फ्रेश है, अच्छा है। तो हैदराबाद से चेन्नई का जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट है, मतलब 1 घंटा 15 मिनट जैसा टाइम है, बट 1 घंटे से पहले शायद पहुंचा देगी क्योंकि ये फ्लाइट अभी धीरे धीरे नीचे आ रही है, मतलब एल्टीट्यूड लो हो रही है। मतलब चेन्नई एयरपोर्ट में उतर के मैं फिर जाऊंगा आपका चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, और स्टेशन से मेरा ट्रेन है 7:00 PM, 15 घंटे का ओवरनाइट ट्रेन, मतलब मैं 3:30 बजे तक तो पहुँच जाऊँगा, उसके बाद आपका 4 घंटे का गैप है, तो 4 घंटे में सेंट्रल स्टेशन में पहुँच जाऊँगा। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे पता नहीं क्या है, छोटा छोटा आइलैंड टाइप का दिखाई दे रहा है। जैसे ही लग रहा है, पता नहीं क्या है। तो ये रहा समुद्र, ये है बीच, मतलब है हम लोग चेन्नई के बहुत करीब हैं। बीच नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए एक्चुअली ये है समुंदर, और हमारी फ्लाइट अभी भी चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड करने वाली है। फाइनली 2 मिनट डिले से हम लोग
कर चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड। तो अभी जाना है बैगेज लेने के लिए, मतलब बैगेज का जो बेल्ट होता है वहाँ पे, बैग लेने के बाद फिर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की ओर जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बैगेज काउंटर में, बैग लेंगे उसके बाद निकलेंगे मेट्रो स्टेशन के लिए। वाह, ये रहा आपका चेन्नई एयरपोर्ट का लुक, देखिए बहुत सुंदर। तो अभी फटाफट बैग लेना है उसके बाद निकालना है। तो हमारा जो बैग है वो है बेल्ट नंबर 1 पे, तो अभी बेल्ट नंबर 1 से हमारा बैग मिलेगा। कितना सुंदर नटराज का मूर्ति, तो बहुत ही कंफर्टेबल इंडिगो फ्लाइट 6C514 से बागडोगरा से मैं पहुंच गया चेन्नई। अभी बैग लूँगा उसके बाद निकलूँगा मेट्रो स्टेशन के और, क्योंकि मुझे जाना है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन और उसके बाद शाम को 7 बजे का ट्रेन पकड़ना है। और कहाँ तक मैं जाऊँगा बाई ट्रेन वो मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।